हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप 41वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के जो क्वेश्चन और उसके उत्तर को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चला है कि जो है बीपीएससी किस तरह के प्रश्न किस पैटर्न पे पूछ रहा है और क्या इसके पूछने का तरीका है, तब तक आप प्रश्नों को नहीं पकड़ पाएंगे, तो आपकी ये तैयारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, प्लीज़ इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि इसके बाद अभी तक मैंने 38वीं 39वीं 40वीं और ये 41वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के जो प्रश्न और उसके उत्तर को मैंने जो है पब्लिश किया है, यानी कि अपलोड किया है। और इसके बाद अभी 60 से 62वीं तक की परीक्षा और उसके प्रश्न पत्र को मैं इस पे अपलोड करूँगा। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में शेयर करें और लाइक भी करना न भूलें। तो दोस्तों, प्लीज़ आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं 41वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा प्रश्न और उत्तर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, 41वीं बिहार संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 1996, ये 1996 में आयोजित की गई थी। और इतिहास यानी विषयवार इस वीडियो में जो है जो प्रश्न है उसको विषयवार लिया गया है, यानी कि इतिहास को एक साथ, पॉलिटी को एक साथ, भूगोल को एक साथ, समसामयिकी को एक साथ, बिहार के ऊपर जितने प्रश्न पूछे गए उसको एक साथ, तो इस तरह के जो है बनाए गए हैं सेक्शन। तो सेक्शन के अनुसार चलेंगे, यानी कि इतिहास में देखते हैं कितने प्रश्न और कैसे प्रश्न पूछे गए अब तक, क्योंकि बीपीएससी में इतिहास के जो प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू मतलब उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो कौन थे? ये चार ऑप्शन आपके पास है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद चटर्जी और राजा राम मोहन राय। तो ये देखिए, आप जो इसका स्वामी विवेकानंद सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद दो नंबर का प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि तो इसका उत्तर है ए है, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, ठीक है। सिर्फ मैं उत्तर ही बताऊंगा, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष कब? तो 1907, 1913, 1917 और या 1920, तो सही आंसर आपका है 1913। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो ये जो है किनसे संबंधित है? ये तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है, करो या मरो का नारा, जो कि 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। अब है पाँच नंबर में है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखली काल में ये पांच का सी है, प्यारे लाल थे। नोआखली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव यानी सेक्रेटरी थे, नोआखली काल में महात्मा गांधी जी के थे। छः नंबर में है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली है जयप्रकाश नारायण जी को, जो कि बिहार से है। और सात नंबर में है, सब हालांकि दोस्तों इसके बाद संपूर्ण क्रांति भी इनका बहुत सबसे ज़्यादा लोग संपूर्ण क्रांति को के बारे में जानते हैं, अगर कि जयप्रकाश नारायण जी ने जो है संपूर्ण क्रांति जो कि 74 में हुआ था उसकी शुरुआत की थी, और जो इमरजेंसी लगी थी उस इमरजेंसी को समाप्त करने तक इनका आंदोलन चलता रहा था। तो ये भी बात जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही मिल गई थी। सात नंबर में, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है, अब तो इसमें दो तो आप दिख ही रहे होंगे, तो ये देखिए बी है, सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल ही थे। आठ नंबर में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किस पर महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम पर महत्व दिया था।
नौ नंबर में है। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या कारण था? तो ये जो कारण था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, यही कारण था। ठीक है, क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति कारण था, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है 20 में समाप्त कर दिया था, तो इसके बाद जो क्रांतिकारी थे उनके पास कुछ चारा भी नहीं था, इसलिए वे 1923 से 1928 तक वापस जो है क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में बढ़ गई थी। 10 नंबर में है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से ये असफल रहा। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर में है जो है स्तंभ है, और यानी कि कॉलम को मिलाना है, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक है, तो चूंकि ये एक साइडेड नहीं है, ऐसे ही कि वो जो क्वेश्चन पेपर में छपा था तो इसी तरह छपा था, तो इसी तरह भी यहाँ दिया गया है, हालांकि मिलाना मुश्किल है, लेकिन आप देख लीजिए इसका सही आंसर 11 का, ये देखिए सी है, सी। ठीक है, सी यानी 1 का 5, एक का जो है, एक का एक है और 2 का 5 है, तो देखिए 1 का 1 देखते हैं, 1 में ताराचंद है, ताराचंद ने लिखा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, तो ताराचंद ने लिखा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इंडिया जो है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो है ताराचंद ने लिखा है, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार जो है ये फादर बुलके या के दत्ता ने लिखा है। ठीक है, के दत्ता ने लिखा है, जो इंडिया है बिहार जो है के दत्ता ने लिखा है, और इंडिया जो है ताराचंद ने लिखा है। उसके बाद देखते हैं, देखिए 6 और 3 और 2, तो दो सी 3 का 6 हो गया, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा है, आनंद मठ लिखा है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसके बाद ये जो देखिए प्रिसेप्ट्स ऑफ जीजस, तो प्रिसेप्ट ऑफ जीजस जो है ये राजा राम मोहन राय ने लिखा है। ठीक है, अब है 5वां, तो 5वां का हो जाएगा 2, यानी कि WW Hunter, तो ये जो है आवर इंडियन मुसलमान जो है वो लिखे हैं WW Hunter जी ने, तो हो गया। तो देखिए ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो है ताराचंद ने लिखा है, फिर हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता ने लिखा है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीजस राजा राम मोहन राय ने लिखा है, और आवर इंडियन मुसलमान WW Hunter ने लिखा है। तो ये हो गया आपका पूरा स्तंभ जो, ठीक है, बहुत इजीली याद हो जाता है देख कर पढ़ने में और सुनने में। तो 12 नंबर में 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये देखिए दोस्तों कौन कौन सा भाग रहा अप्रभावित, तो देखिए कोई कॉलम में चुनना है, कूट के द्वारा चुनना है, तो 1 से 5 तक में है, तो अप्रभावित तो बिहार पटना आ रहा है, तो ये सब जानते ही हैं। अब मुंगेर और मुजफ्फरपुर के बारे में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा अगर आपने पढ़ा है कुछ, तो देखिए इसका सही आंसर है 4-5, यानी मुजफ्फरपुर और मुंगेर जो है 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा है, यानी कि ऑप्शन ए है 4-5। 13 नंबर में है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो ये जो है आपका डी है 1 और 4। ठीक है, यानी बिहार और इसके बाद संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, ये 2 सही आंसर है 1 और 4 का, यानी कि 13 का डी हो जाएगा। उसके बाद 14 का है भारत निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ये जो राजकोट सत्याग्रह, इसमें भाग नहीं लिया था प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने। 15 नंबर में है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए है वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है बारदोली। 16 नंबर में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो कहाँ? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को, मतलब प्रस्ताव पास हुआ और इनको गिरफ्तार करके सभी जो बड़े बड़े नेता थे सुबह सुबह तक सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये आगा खां पैलेस में इनको कैद करके रखा गया था गांधी जी को। 17 नंबर में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये जो है 17 नंबर का जो है सांप्रदायिक
प्रतिनिधित्व के मामले के वजह से ये असफल रहा। द्वितीय गोल में सम्मेलन गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, कांग्रेस की तरफ से पहली बार कोई किसी ने भाग लिया था तो गांधी जी ने लिया था और ये असफल रहा, जिसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। अब है 18 नंबर में है, रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था क्या। रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया तो क्योंकि ये व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करता था, इसीलिए इसका विरोध किया। रौलट एक्ट का कांग्रेस ने भी विरोध किया। 19 नंबर में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की कब स्थापना कब की थी, तो ये 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था 1896 ईस्वी में। उसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस जो है ये हुए हैं एक्चुअली, ऐसे सुभाष चंद्र बोस ने तो लगातार ये 2 साल रहे थे, 37-38 और ठीक है 37-38 और फिर 2 बार निर्वाचित हुए ये। उसके 21 नंबर में संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ कब किया गया था, संत कबीर के सम्मान मगहर महोत्सव यूपी में होता है। और 21 नंबर का ये सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, 1990 में। ठीक है, इसके बाद चलिए मगहर महोत्सव ठीक है 90 में। और 22 नंबर में निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, तो देखिए ये जो किसका किसका उल्लेख है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो 22 नंबर का सही जो हो जाएगा आपका ए है, मतलब उसका कदम का उल्लेख नहीं है, कदम का जो है उल्लेख नहीं है। लेकिन अब देखिए संगम साहित्य में किसका किसका उल्लेख है, तो चेर का है उल्लेख, चोल का और पांडे तीनों का जो है उल्लेख है, कदम का नहीं है। तो ये बात याद रखेंगे संगम साहित्य में चेर चोल पांडे का उल्लेख है। 23 नंबर में बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है और उसको मिलाना है। तो देखिए ये तो ऐसे ही मिल जाएगा दोस्तों, जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन जो है कुशीनगर यानी कुशीनारा आज का देवरिया है, उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला है। ठीक है, ये है मिल गया, सुमेलित हो गया, इसके लिए इसका कोई आंसर नहीं, फिर भी आप देख लीजिए इसका सही आंसर जो है, मतलब कौन सा प्रश्न है। तो देखिए 23 नंबर में है, 23 हो गया, 23 के बाद 24 नंबर में देखते हैं। 24 नंबर में ये देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो किसका, तो देखिए लकड़ी का। ठीक है, ये लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त का, हालांकि इसमें पत्थर के भी कुछ स्तंभ मिले हैं और वहाँ रखे हुए भी हैं, तो ये लकड़ी का है चूँकि चंद्रगुप्त का महल पूछ रहा है इसलिए लकड़ी का। हालांकि बाद में जो स्तंभ आए गए हैं वे लंबे लंबे स्तंभ हैं, पत्थर के एक ही शिला से बने हुए हैं, तो अभी भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। फेनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो क्या नगर था 25 का, तो 25 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था फेनसोंग के अनुसार। उसके बाद 26 नंबर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ, तो ये लाहौर थी। ठीक है, लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। 27 नंबर में अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, तो ये जो हुआ 27 में ये जफर खां की मृत्यु हो गई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए, जफर खां की। उसके बाद 28 नंबर में है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम क्या है, तो पहले क्या कौन कौन सा लड़ाई हुआ, हालांकि जो इनके लड़ाई जो खासकर जो है शेरशाह, जो बिहार के शेरशाह सूरी हैं उनके साथ हुआ था, और इन्होंने हुमायूं ने जो है अपना राजधानी मतलब जो दिल्ली था उनकी राजधानी वो छोड़कर को भागना पड़ा था, काफ़ी लंबे समय तक ये बाहर दिल्ली से ये बाहर ही रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने सत्ता प्राप्त की। तो देखते हैं कौन सा क्रम है जो हुमायूं द्वारा लड़ा गया है युद्ध, तो ये है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ये जो 4 युद्ध है ये सही क्रम में है। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों कि देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 जो प्रमुख युद्ध है उसकी तिथि के अनुसार यही है, तो पहले देवरा जो है देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया है, फिर चौसा का 1539 ईस्वी में,
और चौसा का युद्ध जो है ये लड़ा गया है शेरशाह सूरी के साथ, और कन्नौज का युद्ध भी 1540 में शेरशाह सूरी के साथ ही लड़ा गया था जिसमें इनको भागना पड़ा था। फिर सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में, चूँकि 15 साल बाद हुआ तो ये सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ है। हालांकि ठीक है, तो ये है 4 युद्ध क्रम है उनका। उसके 29 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा है, तो किस इतिहासकार ने कहा है, तो ये जो है वी ए स्मिथ ने कहा है। स्वर्ण काल, शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा है, वी ए स्मिथ ने। 30 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया वॉरन हेस्टिंग्स ने किया है। ठीक है, वॉरन हेस्टिंग्स, ये सी है, सी। उसके बाद 31 नंबर में आते हैं, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो कि अब ये कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की रानी के ताज को सुशोभित करता है। उसके बाद, इसके बाद है दोस्तों 32 नंबर में, लॉर्ड वेलेसली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन था? तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। 33 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था ये की है नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद 34 नंबर में आते हैं, तो 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय हैं आत्मीय सभा के संस्थापक। 35 नंबर में, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 1800, ये 27 है लगता है, 28 में हुई है, तो 28 में हुई है ब्रह्म समाज की स्थापना, 27 यहाँ गलती से लगता प्रिंट हुआ होगा, तो दोस्तों खैर, तो 28 से रखें ब्रह्म समाज की स्थापना, क्योंकि अभी यहाँ ये पीडीएफ फाइल है इसको अब मैं करेक्ट कभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वर्ड फाइल नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है, तो 28। उसके बाद 35 के बाद 36 नंबर में है, दो मतलब कि कथन कारण है, तो कथन ये है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और कारण यह है कि महाविहार के को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, इसीलिए शायद इनका पतन हो गया। तो कि कथन का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर आप सीधा जान लीजिए, ए है, ए और दो दोनों सही है, यानी 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। भाई हुआ था ये बख्तियारुद्दीन खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था, इसीलिए इसका पतन हुआ, और महाबिहार को उसके बाद राजकीय प्रश्रय मिलना भी बंद हो गया था, तो इसीलिए इसका पतन भी हुआ था। दोनों ए ए का सही व्याख्या आर करता है, यानी दोनों जो है सही भी है और ए का सही व्याख्या आर करता है, तो पतन हुआ इसलिए इसको राजकीय प्रश्रय मिलना ही बंद हो गया, तो यही इसका कारण है, मतलब कारण है नालंदा महाविहार के पतन का। और चूंकि जो बख्तियारुद्दीन खिलजी है बख्तियार, तो वो जो है उन्होंने नष्ट कर दिया था इसको, इसीलिए इसका सत पतन हुआ है। हालांकि अब शेष बचा हुआ है, फिर से नई नया नालंदा महाविहार की स्थापना की गई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका प्रयास हुआ है, फिर से ख्याति प्राप्त करेगा नालंदा महाविहार, नव महाविहार। तो 36 के बाद देखिए 37 नंबर में, कवि वानभट्ट निवासी था कहाँ का? तो ये जो है थानेश्वर का कवि है बानभट्ट, यानी बान यानी बानभट्ट निवासी था थानेश्वर का। 38 नंबर, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने बनाया था? तो ये बनाया था शेर शाह ने बनाया था प्रांतीय राजधानी, जो कि रहा भी अकबर अकबर और उसके बाद तक रहा, औरंगजेब तक रहा, मतलब उसके बाद लगभग रहा ही है, पूरा मुगल काल में रहा है इसके बाद भी। उसके बाद 40 नंबर में है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो ये 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर है पटना में सोने की खान कहाँ स्थित था। तो एक्चुअली पटना में सोने की खान 17वीं शताब्दी में था, ऐसा कुछ प्रश्न है, हालांकि अभी तो कुछ वैसा कहीं है नहीं पटना में इस तरह की खान, कोई सोने की खान वर्तमान में तो पता नहीं चलती, लेकिन 17वीं शताब्दी में होगी तो हो सकता है, अभी 2000 चल रहा है तो अब 17वीं शताब्दी की बात है,
तो इसके बाद 44 नंबर में है, लेकिन अभी बिहार में जो एकमात्र जो है मुंगेर में पाया गया सोने की खान जो वर्तमान में है, और यहाँ दिया हुआ भी नहीं है। तो देखिए देखिए पटना में वर्तमान में, हाँ तो खैर यहाँ वो नहीं है, 40 नंबर में है। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो रखी गई है गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना, और देखिए दोस्तों अभी भी गौ रक्षा के नाम पे पूरे देश में जो हो रहा है तो अब से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन देखिए कब से इसकी गौ रक्षणी सभाओं के मतलब गौ रक्षा के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 1882 का इसका सही आंसर हो जाएगा, 1882 से इसके इसके बारे में प्रयास किया गया है। अब है किस वर्ष उड़ीसा जो है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ है? तो 36 में हुआ है, 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। अब देखिए यानी 41 प्रश्न जो दोस्तों देखिए बहुत बड़ी बात है, 41 प्रश्न जो थे वो बीपीएससी में इतिहास से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जिसमें कुछ बिहार से भी जुड़े हुए थे प्रश्न थे जो कि इतिहास से ही है। और उसके बाद देखिए 42 प्रश्न से भूगोल से स्टार्ट करते हैं, भूगोल में कौन कितने प्रश्न हैं तो किस तरह के प्रश्न हैं। तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लव कितना भाग पानी से ढका है? तो इसका सही आंसर है सी, 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, एक्चुअली 71% है राइट, मतलब सही फिगर जो है वो 71% है, लेकिन खैर यहाँ 2/3 है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर मतलब संकेत करते हैं वह है, तो मतलब कि जिस तारामंडल के तारे जो है ध्रुव की ओर संकेत करते हैं, तो छूट गया है, तो वह क्या है, वो कौन सा है? तो जो आपका है ये सही है, सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 तारा जो एक लाइन के हैं ये ध्रुव की ओर संकेत करते हैं कि ये ध्रुव की ओर का तारा है। 43 के बाद 44 नंबर, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते कहाँ मिलते हैं? तो अधिकतर घने वन जो मिलते पृथ्वी पर वो भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, शायद इसीलिए घने वन मिलते हैं। उसके बाद 45 नंबर, पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से क्या आगे है पीछे है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपको पता होगा, ये बड़ी 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 बात नहीं है, पर ये आगे है क्योंकि इलाहाबाद पीछे है पटना से, इसलिए पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री यानी 82.3 डिग्री जो है भारत का भारतीय मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम जो है। उसके बाद 46 नंबर में है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं एक्चुअली कितने दिन लगते हैं? तो ये देखिए सब 365 दिन रहते हैं, तो सब जानता है, लोग सब जानता है, लेकिन अब यहाँ फंस जाएगा कि 50 है 25 है 75, ये इसका क्या मतलब होता है, तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे 365.25। ठीक है, 6 घंटे वाली बात है, तो वही 25 कर दिया है, तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है सूर्य को पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में, जो कि ये जो घंटा है जो 25.25 के रूप में आ गया है यहाँ पर बदलकर। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है ये आपका हो जाता है शुक्र ग्रह, जो है सबसे गर्म है सौर मंडल का। उसके बाद है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है। ठीक है, एंडीज पर्वत यानी बी। उसके बाद 48 के बाद 49 नंबर में आइए, विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो आप इसी अपना इंडिया को छोड़ना ही नहीं है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है सबसे लंबा डेल्टा है, विश्व का सबसे लंबा डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन के नाम से जो जाना जाता है। उसके बाद है ये भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है, ये भी याद रखेंगे। तो गंगा द्वारा बनाया गया, ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया ये डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद 50 नंबर में, वो कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या हैं? तो ये है भार ह्रास मूलक, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं भार ह्रास मूलक है ये। उसके बाद 51 नंबर में है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो ये सेनोजोइक महाकल्प में हुए हैं ना, नहीं एक्चुअली नहीं, पैलियोजोइक में महाकल्प में ये हुए हैं। ठीक है,
पहले पहले जो एक महाकल्प में जो है पर्वतीय प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्मित हुए भारत के अतिरिक्त ठीक है, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो हुए हैं ये ध्यान रख रहा है। पैलियोजोइक महाकल्प में 52 नंबर में गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है और नई क्या कहलाती है? तो नया जो है खादर, तो पुराना को बांगर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए आंसर, तो पुरानी को बांगर हो गया सही आंसर, और नई मिट्टी को जो है खादर बोलते हैं। तो गंगा के जो मैदान है, तो बिहार के उत्तरी उत्तरी क्षेत्र जो है वो खादर भूमि से भरा हुआ है और दक्षिणी क्षेत्र जो है बांगर से है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, 50 प्रश्न 52 प्रश्न हो चुके हैं। 53 नंबर भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका तुंगभद्रा नदी पर स्थित है भद्रावती इस्पात केंद्र। उसके बाद 54 नंबर में है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पटसन से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है 55 का जो आपका हो जाएगा, यहाँ तो तमिलनाडु है लेकिन अब बदल गया है, बहुत सारा चीज़ जो है बदलते रहता है, ठीक है। उस समय का जो सही आंसर है तमिलनाडु है, लेकिन अभी जो है एक्चुअली बदल गया है। और ये देखिए अभी पश्चिम बंगाल है पटसन के क्षेत्र में, तो खैर ये जो जो सही जवाब उस समय के अनुसार था तो जो तमिलनाडु है दिया हुआ है, लेकिन पटसन में अभी जो है पश्चिम बंगाल है। तो ये है, उसके बाद 55 में अगर कुछ विशेष बताओ तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। इसके बाद 55 नंबर में है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है वह है चावल, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल बोई जाती है, और अब बिहार में भी सबसे ज़्यादा जो है चावल की खेती की जाती है, क्योंकि बिहार के प्रश्न जानना भी जरूरी है, तो इसलिए बिहार में सबसे ज़्यादा चावल की खेती, धान की खेती होती है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, वह जो कहाँ विदर्भ किसको कहते हैं? तो विदर्भ जो है 56 का जो प्रश्न का सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश में है, विदर्भ का अंग जो है मध्य प्रदेश में है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है मध्य प्रदेश का। उसके बाद हो गया 56 के बाद, एक्चुअली विदर्भ जो है एक्चुअली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सटा हुआ कोई क्षेत्र है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर तो खैर बीपीएससी के द्वारा ये दिया गया था 56 का सी, चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? 56 तो 57 कहीं मेघालय में है, और चेरापूंजी के बाद अब मासिनराम जो है सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है, तो ये चेरापूंजी भी सेकेंड है जो है सबसे अधिक बारिश यही होती है। 58 नंबर में जनसंख्या घनत्व के आधार बिहार का स्थान क्या है? तो अब तो है प्रथम स्थान पर है, उस समय कितनी थी? तो 96 में जो था, देखिए 96 में ये भारत में तीसरे स्थान पे था, ठीक है, लेकिन अभी जो कि है भारत में पहला स्थान पे है। तो ये बात है कुछ खास आपके लिए, अभी जो पहले स्थान पे 1106 है जनसंख्या घनत्व बिहार का। और देखिए तो भारत में भारत की प्रमुख फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख फसल जो है ये चावल है, तो चावल हुआ, ठीक है, भारत की प्रमुख फसल। दोस्तों ये थे 42 से लेकर 59 तक जो है आपने देखा इस तरह का प्रश्न, भूगोल से रिलेटेड प्रश्न था ये। और उसके बाद देखिए राज्य व्यवस्था जो कि 60 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है। अब पहला प्रश्न है मतलब कि राज्य व्यवस्था का, या इस तरह के 60वां प्रश्न जो है 41वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था तो कितने में? 42वें संशोधन, तो है 42वां संविधान संशोधन में इसको किया गया था, 11 है मौलिक कर्तव्य, 11 है, ठीक है, ये भी बात इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद 62 नंबर में संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी हैं किसके प्रति? तो जाहिर सी बात है संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री केवल लोक सेवा के प्रति। तो आप बताइए, तो आपका ये हो जाएगा क्योंकि सभी मिलता जुलता है, लेकिन ये केवल लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, 62, ठीक है। उसके बाद 63 नंबर में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या नहीं कर सकता? क्षमा तो प्रदान कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, नहीं हटा सकता, आपातकालीन घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये अधिकार नहीं प्राप्त है इसको।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता, क्योंकि इसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो कि राष्ट्रपति जो जिससे हट जी हटाया जाता है। ठीक है, तो ये बात है, ये खास इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए आपके लिए। तो ये तीन काम करता है, एक और ए बी ए सी डी तीनों काम ये राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो बी वाला काम है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते, क्योंकि इसको भी हटाने के लिए महाभियोग जो है लाया जाता है, महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है। फिर तीसरे के बाद देखिए 64 नंबर में आते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि, ठीक है, क्यों कहते हैं, तो क्योंकि 64 का ये जो बी है इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, हालांकि कुछ सदस्य अस्थायी सदन इसीलिए कहते हैं, लेकिन अब देखिए कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, कुछ सदस्य नहीं, एक तिहाई सदस्य है, और सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये गलत बात है, तो सी भी नहीं है, तो अस्थायी सदन होने के लिए इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए है ये। तो आपका 64 का बी हो जाएगा। इसके बाद 65 नंबर में है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है राज्यों की विधायिका में, तो 65 का जो आपका सही आंसर है डी है, यानी केवल 4 राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये 3 है राज्यों की विधायिका में, यही 3 सम्मिलित है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जहाँ इसका अस्तित्व है, यानी ऑप्शन आपका हो गया डी, 65 का डी है। उसके बाद देखिए 66 नंबर में क्या कहता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कितने में, तो अनुच्छेद 74 में हुआ, और क्या, देखिए अनुच्छेद 74 है, ये सब बहुत फेमस प्रश्न है, इसलिए कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद 67 में भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, तो जन्म द्वारा तो मिल ही जाती है, देशीकरण द्वारा मिलता है, किसी भूभाग को सम्मिलन द्वारा मिलता है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं मिलता, तो इससे नहीं प्राप्त होती, यानी कि 67 का डी हो जाएगा, इससे नागरिकता नहीं मिल सकती, यानी कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति अगर कोई भारतीय बैंक में पैसा जमा कर दे तो इससे उसकी भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त हो जाती है, लेकिन जन्म द्वारा मिलेगा, देशीकरण द्वारा मिलेगा, किसी भूभाग के सम्मिलन, यानी कोई भारत का कोई बाहर का कोई भूभाग को अगर सम्मिलित कर लिया जाता है भारत में, तो नागरिकता मिल जाएगी। इसके 67 नंबर में आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर, यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, यानी पहले हम लोग वोटिंग 21 वर्ष में करते थे, लेकिन उसे 18 वर्ष कर दी गई, ये कब किया गया, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा, तो एक्चुअली ऐसे, हाँ, तो ये 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन, और इसी में 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, अब 79 नंबर में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 व्यक्ति जो है कि विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञानकार होते हैं। ठीक है, तो इसको किया जाते हैं। उसके बाद अब अर्थव्यवस्था का प्रश्न देखिए, तो देखिए 60 से लेके 79 तक तो ये 9 प्रश्न जो थे राजव्यवस्था था, तो राजव्यवस्था से 9 प्रश्न आया। अब अर्थव्यवस्था 74 से स्टार्ट है, जो कि देखो दोस्तों ये तो प्रश्न अभी अभी के लिए प्रासंगिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे, हो सकता है कुछ स्टैटिक प्रश्न भी हो जो कि पूछे गए हों, तो देखना भी जरूरी है। तो अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो आपका जो हो जाएगा डी उपयुक्त, तो कोई नहीं था उस 1996 यानी 1991 के जनगणना के अनुसार, इसमें से कोई डाटा नहीं है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो ये स्टैटिक प्रश्न है, इसे आप ध्यान देखें, तो 92-97 जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका काल यही है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है 1992 से 1997 है, इसको याद रखेंगे, स्टैटिक प्रश्न है ये। उसके बाद भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है मुख्यतः क्यों, तो मुख्यतः जो यह रहा है उपयुक्त सभी कारण है इसके लिए आर्थिक विकास के अवरुद्ध होने के, यानी अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, तो ये सभी कारण है आर्थिक व्यवस्था के अवरुद्ध होने का भारत में। अब है नेक्स्ट है दोस्तों, ये 73 नंबर में योजना आयोग का स्वरूप क्या है, तो ये एक परामर्शदात्री संस्था है, योजना आयोग जो है एक परामर्शदात्री संस्था है, इसके जगह अब नीति आयोग आया है, काम सब वही है, लेकिन कुछ कुछ चेंजिंग कर दिया गया है, तो वो भी एक परामर्शदात्री संस्था ही है नीति आयोग भी,
उसके बाद 74 नंबर में है भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री अभी भी नीति आयोग के यही है, प्रधानमंत्री होते हैं पदेन अध्यक्ष। उसके बाद अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की गरीबों की सहायता, यानी कि बीपीएल वालों की सहायता है, जो कि अन्न के माध्यम से की जाती है अंत्योदय में, ठीक है, बहुत सस्ता अनाज दिया जाता है। तो ये नेक्स्ट है, और 75 का 76 देखिए, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत वर्ष में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा ये तापीय है, कोयला से, तापीय विद्युत से प्राप्त होता है जिसमें कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है भारतीय रुपये का विनिमय दर निर्धारित होती है किससे होती है, तो जो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में है ये, ठीक है, तो भारतीय रुपये के विनिमय दर निर्धारित, तो जैसा देश वैसा उसका जो है निर्धारित करने का मापदंड है, जैसे डॉलर के लिए अलग है, पाउंड के लिए अलग है, तो यही सब बात है, येन के लिए अलग है, ऐसा का वैल्यू भी अलग अलग होता है, इसलिए कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में है ये। उसके बाद 78 में है जीवन बीमा एक उदाहरण है किसका, तो जीवन बीमा एक उदाहरण है निवेश बैंक का, तो जाहिर सी बात है निवेश बैंक का जीवन बीमा एक उदाहरण है। अब कथन कारण है दोस्तों, तो कथन देखिए है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को वैसी सफलता नहीं मिली जितनी आशा की जाती थी, और उसका कारण है केंद्रीयकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा, तो इसका सही आंसर है सी, यानी ए जो है सत्य है, ये बात जो है सत्य है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को वैसी सफलता नहीं मिली जितनी आशा की जाती थी, लेकिन आर असत्य है, यानी कि केंद्रीयकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा, ये बात जो है गलत है, आपका सही आंसर जो सी हो जाता है। उसके बाद 79 का सी है, उसके बाद सी में भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग क्या है, तो भारत में सबसे प्राचीन और बृहत्तर स्तरीय उद्योग जो है आपका है कपास से रिलेटेड है, ठीक है, कपास भारत में सबसे प्राचीन और बृहत्तर स्तरीय उद्योग है, ये मौजूदों के समय से कपास का इस्तेमाल होता आ रहा है भारत में, हड़प्पा सभ्यता के समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता था कपास का। 80 के बाद देखिए, 80 के बाद है आपका 81 नंबर में भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, अभी देखिए बदल गया एक्चुअली, तो ये उस समय था उत्पाद कर था, अभी जो है सेवा कर में सबसे ज़्यादा आय आता है भारत में। और 82 नंबर में है कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है आर्थिक विकास में, तो आर्थिक विकास में के लिए कौन प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो जो है आपका ए है मुद्रा की मात्रा जो है ये प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सब है, यानी तीनों जो है मूल्य स्थिरता बचत दर संसाधनों का उपयोग ये सब आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि मुद्रा की मात्रा जो है महत्वपूर्ण नहीं है। ये भारत में निर्यात प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं, तो उस समय तो कुछ अभी का तो डाटा कुछ एक्चुअली है नहीं, तो भारत में निर्यात प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं, तो 83 का जो आपका सही आंसर है डी है 8, ठीक है, उस समय 8 था, अभी वर्तमान का मुझे कुछ खास पता नहीं है इसके बारे में, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करेंगे। देखिए 84 नंबर में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में अगर आप अंतर जानते हैं तो जाहिर सी बात है आप अंतर जानते हैं, ठीक है, ये देखिए मौलिक अधिकार है जो है, चलिए चलिए पहले देख लेते हैं क्या ऑप्शन सही है, तो ये देखिए राज्य के ऑप्शन सी है और 84 का सी है, राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय, एक ये अंतर है भिन्न होता है इसकी वजह से। दूसरा बात है कि जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया भारत के नागरिकों को, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये राज्य को दिया गया, यानी कि राज्य की सरकार को दिया गया है, और इसका जो कि पब्लिक के खिलाफ नागरिकों के खिलाफ इसका इस्तेमाल अगर चाहेगी सरकार तो करती है, जैसे कि जमीन के बारे में देखिए कहीं भी लैंड कोई भी जमीन को लेने के लिए सरकार बस एक कानून बना लेती है, और उसके बाद किसी का भी जमीन हो कभी कितना ही पुराना क्यों रहा हो तो वो ले लेती है, और इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, यानी कि कहीं से कुछ उपाय नहीं है, तो इसके खिलाफ हो ही जाता है पब्लिक के खिलाफ, हालांकि मौलिक अधिकार जो है इसके एकदम अपोजिट है, तो ये नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार है जबकि राज्य के नीति सिद्धांत जो है सरकार को सौंपा गया है, इसमें सरकार विशेष फायदा उठाती है इसके द्वारा
जन कल्याण के कार्यों के लिए सब किया जाता है। 84 के बाद अब देखिए 85 नंबर में है। दोस्तों बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात था 1996 में, तो ये 80-20 था, अभी एक्चुअली 29 है, तो खैर याद नहीं है, 29 है शायद, कम है, 11-29 है, हाँ 11% है शहर का क्षेत्र, शहरी क्षेत्र अभी में, और यानी कमा है, झल के बढ़ना चाहिए था। तो खैर ये 80-20 है, उस समय का सही आंसर यही है, आप देख सकते हैं इसके बारे में। आप मेरे बिहार से रिलेटेड एक जो वीडियो है सेंसस से, उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया है, ठीक है, तो वहाँ पर उस वीडियो को देखकर आप इसके बारे में जान सकते हैं बिहार के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या से रिलेटेड। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो क्या होगा, 36 डिग्री। तो ये देखिए एक्चुअली ये डिग्री में अगर आया तो 36.9 डिग्री है, तो एक्चुअली 37 डिग्री हो जाता है, तो 86 का जो आपका सही आंसर है सी ही है, तो सी है, तो चूंकि 36 37 डिग्री होता है तो सी ही है, ठीक है। और ये 310 अगर केल्विन में रहता तो शायद ये हो जाता 98, नहीं 98.6 फॉरेनहाइट में रहता है, और केल्विन में शायद 310 केल्विन लगभग, इतना ही एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये 37 डिग्री है, यहाँ 98.6 अगर फॉरन हाइट आता तो ये हो जाता है। तो खैर आपका सही आंसर यही है, सेल्सियस स्केल पर पूछ रहा है, जो कि क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल पर, तो 37 डिग्री या 36 या इसको एकदम एग्जैक्ट 36.9 डिग्री आंसर सही है इसका, इसी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह, इससे बड़ा ग्रह कोई नहीं है, तो ठीक है हमारे सौर मंडल में। उसके बाद हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो किसमें, तो नाइट्रोजन की है, तो जाहिर जानते ही आप नाइट्रोजन है, 78% जो है नाइट्रोजन है, और उसके बाद ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है, हाइड्रोजन के बारे में बहुत कम है, नगण्य है, पता ही नहीं है, मेन यही तीन गैस है। उसके बाद और भी कुछ खास गैसें हैं। उसके बाद दोस्तों फिर देखिए 89 नंबर में स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक, तुलना में अधिक पुरुष वर्णांध से पीड़ित हो जाते हैं, यानी कि पुरुषों में वर्णांधता की घटना जो मतलब ज़्यादा पीड़ित होते हैं, ज़्यादा इन पुरुषों में होती है, तो क्यों? तो देखिए 89 का जो आपका सही आंसर है आपका सी हो जाता है, कि उनमें केवल एक्स क्रोमोजोम होता है इसीलिए ऐसा होता है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष जो है वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, उनमें क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है। उसके बाद 89 का 90 नंबर, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर, सबसे अधिक जहाँ जो है मरुस्थल डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है, कितने अक्षांश पर, तो इसका सही आंसर आपका है 70 डिग्री अक्षांश पर जो है सबसे अधिक डेजर्ट यानी मरुभूमि पाई जाती है, 70 डिग्री अक्षांश पर, ये आपका डी आंसर है। उसके बाद 90 के बाद 91 में है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो ओजोन परत की ऊंचाई तो बहुत नजदीकी बहुत क्षोभ मंडल में, यानी ओजोन जो है क्षोभ समताप के बीच का असर है ये, ठीक है। तो ये देखिए आपका 40 से 45 किलोमीटर का जो है दूरी है, ठीक है, ये एक्चुअली क्षोभ के बाद क्षोभ और समताप के बीच का शायद है, हाँ, तो ये खैर किलोमीटर में आप आइए, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई जो है 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, ये तो समताप मंडल में ही है, समताप मंडल के ऊपरी हिस्सा में है इसको, ठीक है, समताप मंडल के जो है ऊपरी हिस्सा में है ये। तो दोस्तों ये ओजोन के बारे में कुछ और बातें, खास बातें हैं, जो जो कि 1996 में इस तरह के प्रश्न आए थे, हालांकि एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये। तो देखिए पहले सबसे पहले तो क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फेयर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, उसके बाद ओजोनोस्फेयर आता है, यानी कि 3रे नंबर में ओजोन मंडल आता है, तो समताप और मतलब कि समताप के ऊपर का हिस्सा ही है। उसके बाद आयन मंडल होता है, और उसके बाद जो है बहिर्मंडल, तो आयन मंडल को आयनोस्फेयर बोलते हैं, और उसके बाद एक्सोस्फेयर बोलते हैं यानी बहिर्मंडल को। तो क्षोभ मंडल जो होता है वो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है, और
जो है यहाँ पर जितनी भी सारी जैसे कि घटनाएं हैं, वायुमंडलीय घटनाएं हैं, यहीं पर होती है, क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद समताप मंडल है, उसको 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक समताप मंडल है, और इसमें कोई खास मतलब कि घटनाएं नहीं होती, मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए प्लेन वायुयान को उड़ने के लिए भी एक आदर्श जोन है या मंडल है। ठीक है, उसके बाद ओजोन मंडल आता है, जिसके बारे में आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर, लेकिन नहीं, 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो 32 से लेकर 60 किलोमीटर के जो रेंज है उसमें ओजोन मंडल है। और देखिए ये जो है ओजोन मंडल जो है CFC के वजह से इसको मतलब कि मतलब इसको नुकसान पहुंचा था, लेकिन हाल के जो अध्ययन हुआ है उसमें पता चला कि जो छेद था वो भर भर गया है। ठीक है, तो उसकी बहुत मतलब भर एक पूरा नहीं भरा है, लेकिन वो उसमें बहुत जो है जो फैला हुआ था वो बहुत कम गया है। और ओजोन परत की जो मोटाई नापने का है, ओजोन परत की मोटाई जो है डाप्सन इकाई नापने के लिए जो है डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस मंडल में जो है ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, यानी कि अगर जैसे जैसे ऊंचा हम अजोर मंडल जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी, और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री की वृद्धि होती है, यानी 1 किलोमीटर जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान में वृद्धि होती है। जबकि देखिए क्षोभ मंडल, जबकि ये तो था ओजोन मंडल, उसके बाद लेकिन क्षोभ मंडल में उल्टा था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री जो है सेल्सियस में जो है गिरावट आता था, तो क्षोभ मंडल में है गिरावट आता है, लेकिन यहाँ आयन जो ओजोन मंडल में है जो 1 किलोमीटर ऊंचा जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही थी। उसके बाद देखिए दोस्तों आयन मंडल है जो कि 60 से लेकर 640 किलोमीटर तक है, और जो है डी लेयर जो है लॉन्ग रेडियो वेव्स है और या शॉर्ट रेडियो वेव्स, सब यही होता है, टेलीफोन वगैरह सब यहीं से के लिए ही है, रडार आदि के लिए सब संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। उसके बाद बहिर्मंडल है 640 किलोमीटर से ऊपर तक का एरिया, जहाँ इसका इस मंडल में जो हाइड्रोजन हीलियम गैस मिलती की प्रधानता है बहिर्मंडल में, यानी एक्सोस्फेयर में। तो ये कुछ खास बातें थी जो कि ओजोन मंडल के बात आया, इसलिए बहुत सारी बात बताना भी जरूरी था। अब नेक्स्ट है, तो ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटखा ठंडा लगता है, क्यों? तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब लोहे का गुटखा सुबह में ठंडा लगता है ठंड के दिनों में? तो दोस्तों ये होता है लकड़ी की तुलना में लोहा का उष्मा, मतलब लकड़ी की तुलना में लोहा जो है उष्मा का अच्छा सुचालक है, इसीलिए ऐसा होता है कि लोहे का गुटखा जो है ठंडा लगता है। 93 नंबर में है, उसके बाद देखिए 92 के बाद देखिए 93 नंबर में, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जिसमें क्या होता है, तो जिसमें जो होता है पर प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है, तो यही होता है आइसोटोप। ठीक है, किसी भी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अब इसके 94 में आइए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? ये बहुत बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए आप इसे याद ही रखेंगे तो अच्छी बात है। तो एलिथीन, ये एलिथीन है एक्चुअली, खैर यही है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथीन। उसके बाद नेक्स्ट है 95 नंबर में, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें जिसका तापमान जो है क्या होता है, तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है आइसोटोप ले लेता है तो वो पानी जो होता है भारी पानी हो जाता है। 96 नंबर में है परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन है, तो नाभिक के अवयव, ठीक है, तो नाभिक के अवयव जो है वो आपका हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है नाभिक के अवयव, जबकि नाभिक के परमाणु के ये नाभिक का है केंद्र में, जबकि बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। तो 96 का जो है सी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उसके बाद तो याद रखेंगे जो मतलब नाभिक के बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये नहीं समझ लीजिए कि तीनों हो जाएगा, ठीक है, तो नाभिक का परमाणु के नाभिक का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। 97 नंबर है, तो 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये गिनने की बात है, अब खड़ा कर किसी गिन लीजिए तो ऐसा नहीं है, ये सब इतने कोई बड़ी बदबात नहीं है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, तो ये सब फिक्स है, आप बहुत सारे लोग गिनना भी चालू कर देते हैं, आपके ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए तो ये इसका सही आंसर आपका है 200 हड्डियाँ, ठीक है।
200 हड्डियां होती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, 206 हड्डियां होती है। और स्वस्थ स्वस्थ मनुष्य में चाहे 20 वर्ष का हो या 5 साल के ऊपर का हो बच्चा, खैर यहाँ तो अक्सर ही गलत है, लेकिन खैर 206 हड्डियां होती है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते के साथ वो उसकी हड्डियाँ काफ़ी रहती हैं, शायद 300 हड्डियां होती है, लेकिन वो बाद में क्या होती है कि वो संयुज हो जाती है, जिसकी वजह से वो 206 हड्डियां ही रहती हैं। लेकिन 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या ये लगभग, देखिए 1996 का प्रश्न का ये पैटर्न है, तो जाहिर सी बात है आज के, चूँकि आज के अपेक्षा उस समय बहुत हल्के प्रश्न पूछे जाते थे बीपीएससी के परीक्षाओं में, लेकिन आज जब ऐसा नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्न अभी भी हल्के पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो है घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। तो खैर 206 यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये नज़दीक का है, तो इसके आंसर में लिया जा सकता है। ठीक है, 6 हड्डियाँ जो है उसका, 6 हड्डी को मैं ध्यान नहीं दें, लेकिन राउंड फिगर में जो है 200 सही है। उसके बाद देखिए 18वें नंबर में, एचआईवी द्वारा होने वाला जो है रोग क्या है, तो या एचआईवी द्वारा होने वाला रोग जो है क्या है, तो एड्स होता है, आपको पता ही है। और एड्स दोस्तों एक्चुअली असुरक्षित यौन संबंध से होता है, सीरीज का जो है मतलब इन्फेक्टेड सीरीज से होता है, इन सब फिर जो रक्त का जो है, रक्त जो चढ़ाते हैं तो इन्फेक्टेड रक्त जो है एड्स से रिलेटेड या वगैरह से इन्फेक्टेड रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको चढ़ाने से भी होता है, तो 3 वजह से होता है, खासकर होता है, हालांकि यौन संबंध से शायद ज़्यादा होता है, उसके बाद सीरीज से होता है और इन्फेक्टेड ब्लड से होता है। तो खैर ये है, और एचआईवी खोज दोस्तों किसने की थी, तो लुक मॉन्टेनियर है, वही है लुक मॉन्टेनियर, नाम ही है जब है लुक मॉन्टेनियर, तो एचआईवी के उन्होंने खोज किया था लुक मॉन्टेनियर ने 98 नंबर में। उसके बाद है, उसके बाद देखिए 99 नंबर में है, तो दोस्तों ये देखिए कुछ फिजिक्स से रिलेटेड है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा क्या होगा, तो 99 का सही जो है एक्चुअली इसको मैथ से रिलेटेड है, तो अगर बिजली खर्च बराबर के इसको निकालना होगा तो वाट गुने घंटा कर देंगे, बिजली खर्च वाट गुने घंटा कर देंगे तो वो आ जाएगा, फिर 1000 से उसको 1000 से भागा दे देंगे तो 1 आएगा, तो 1 इकाई हो जाएगा इसको, ठीक है 1 इकाई, तो 99 का हो जाएगा बी। अब होता है 100 नंबर में आइए, 100 नंबर में आइए, यदि किसी ऐनक के लेंस लेंस का जो स्वर यहाँ लिखा दिया है, लेंस का जो है +2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस की दूरी होगी क्या होगी, तो 100 का सही आंसर जो आपका है ये होगा 50 सेंटीमीटर। तो सीधा ऐसे याद रखें इसको, एक्चुअली जो लेंस की फोकस दूरी होता है वो 100 पावर होता है, 100 100 बटे पावर, ठीक है 100 बटे पावर, तो 100 100 अब इसमें मतलब है, खैर ये 50 होगा, मैथ है बनाने वाली बात है एक्चुअली, आंसर अभी जाने, आंसर याद रखें कि ठीक है, यदि किसी ऐनक की लेंस की जो है 2+ डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। 101 में देखिए कौन सी भाषा जो है कंप्यूटर की नहीं है, तो बेसिक्स है, सी है, फोर्ट्रॉन है, फास्ट शायद कोई भाषा नहीं है, आप तो पता ही होगा, तो फास्ट जो है कोई भाषा नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जबकि सी सी प्लस, अब तो C++, C++, फिर +++ और फोर्ट्रॉन, बेसिक्स, जावा वगैरह, ये सब कंप्यूटर के लैंग्वेज है, जो कि फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है। अब देखिए गणित का प्रश्न है दोस्तों, अब गणित का प्रश्न है तो आप बना लीजिए, आपको तो आता ही है, नहीं आता है तो खैर मैं आंसर बताते जाता हूँ, क्योंकि इस पे बनाना आसान बात नहीं है। तो देखिए हालांकि कुछ प्रश्नों को मैंने वहाँ पर सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। तो 102 का सी है, यानी 2 आता है इसका, ठीक है, यदि यदि जो है 7 पावर 17 भागा 1.6 से भाज्य हो तो शेष जो होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 103 नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्न जो है 1930 में रखा गया, मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र जो है उसके जन्म के वर्ष का 29वां यानी 1/29वां भाग थी, यदि मृत्यु के समय उम्र पूर्ण वर्षों में थी तो वर्ष 1900 में उसकी उम्र क्या थी, तो ये था, वर्ष बहुत घुमावदार है, इसका सही आंसर देख लीजिए आप, सी है 44 वर्ष, और इसको इस तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए 40
104 में है। अपनी सामान्य दर के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंब होता है, तो उसका सामान्य समय क्या होगा? तो सही आंसर 104 का आपका मिल जाएगा जो है बी में, यानी 4.5 घंटा होगा। और इसको बनाते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं ये इस तरह से बनाते हैं। अब 105 नंबर में आइए दोस्तों, किसी चुनाव में मतदाताओं के 20% ने भाग नहीं लिया है, केवल 2 प्रत्याशी थे राम और श्याम। राम को कुल मतों का 42% मिला है और उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया, तो राम को कितना मिला मत? तो ये 4200 मत जो है राम को मिल गया था। अब कैसे मिल गया था ये देखिए, मिलाने के लिए आपको ये सब व्यवस्था दिया गया है कि आप इस तरह से बता दें 4200, ठीक है। उसके बाद 106 नंबर में है, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है, तो ब्याज की दर होगी तो कितना होगा? ब्याज का दर जो होगा ये बी 5% हो जाएगा, ठीक है 5%। तो इसका ये है बनाने का जो तरीका है, देख लीजिए 5% यहाँ पर है। इसके बाद देखिए 107 नंबर में, 3 ऋण संख्याओं का योग 100 है, उनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है, तो उच्चतम ऋण संख्या क्या होगी? तो ये 67 होगी, उच्चतम ऋण संख्या 67 होगी, यानी बी 107 का बी। 108 में, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन किसी धातु के बने हैं, इनको गलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नए घन की भुजा है क्या है? एक सौ तो ये है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा है, नए घर की भुजा जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद 108 का ए। उसके बाद 109 में आइए, अनुक्रम 1, 2, 3, 1, 2, 5, और इसके क्रम बढ़ते हुए 677 में लुप्त संख्या, इसमें क्या लुप्त संख्या है? तो लुप्त संख्या जो है यानी कितने बीच में और भरा जा सकता है इसी तरह से इसी पैटर्न पर। तो 109 में आपका 26 इसी तरह से और अंक भरे जा सकते हैं। 11 क्रमागत संख्याओं का योग, ये सब ट्रिक पे बनता है, ठीक है ये सब ट्रिकी प्रश्न है और ट्रिक के अनुसार ही बनाए जा सकते हैं, नहीं तो आप फंस जाइएगा। नंबर लिखने बैठेगा तो आप 26 अंक लिखते हैं तो बहुत समय लग जाएगा, सब ट्रिकी प्रश्न है। तो आप अगर मैथ के जानकार हैं तो आप जरूर, जाहिर सी बात है इसे आप कर सकते हैं जल्दी। 11 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? 220 है, तो मध्य वाला संख्या क्या होगा? तो 110 में जो सही आंसर आपका है बी है, 20 हो जाएगा, ठीक है ये 20 है। उसके बाद 111 का देखिए, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर प्रस्थान करती है, तथा उस समय एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से बी से ए की ओर प्रस्थान करती है, तो वे एक दूसरे से निम्न समय बाद मिलती है। तो ये सब ट्रिक पे सब बनता है, ठीक है सब ट्रिक ही है, आप बहुत इजीली बना सकते हैं अगर ट्रिक आपको पता है तो। तो 111 का जो सही आंसर है वो है आपका 30 मिनट है। अब देखिए दोस्तों, बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, ये देखिए बिहार से, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आप सब बदल गया है, क्योंकि झारखंड के साथ युक्त जब झारखंड था मिला हुआ तब का ये प्रश्न है, तो इन बातों को बहुत सारे बात जो है ध्यान देने लायक नहीं रह गए हैं। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था, तो सीधा आंसर बताते चलते हैं, तो उस समय लोहरदगा था, ठीक है लोहरदगा था उस समय। अब देखिए, बिहार की तराई क्षेत्र तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये अभी तो खैर बिहार का तराई प्रदेश जो है अपने ही क्षेत्र में है, बिहार में ही है, तो ये आपका हो जाएगा भारत नेपाल की सीमा के समानांतर है बी। छोटा नागपुर के जंगल कहाँ है? तो 114 का जो सही आंसर है सी है, यानी 2 और 3 को मिला दीजिए, तो 2 में है पतझड़, छोटा नागपुर के जंगल जो है पतझड़ और कांटेदार हैं, छोटा नागपुर जंगल जो है। 115 नंबर में है, लोह बिहार में लोहा इसका प्राप्त होता है, तो सब अब सब बदल गया है, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है। थीबू यानी जमशेदपुर था, अब नहीं है, ये झारखंड में चला गया है, ठीक है। इसके 116 में, छोटा नागपुर के पठार में की मुख्य फसल क्या है? तो ये मुख्य फसल जो है मकई है, ठीक है मकई एक्चुअली ये होगा बी हो जाएगा, मकई और दलहन दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और बी 116 का बी, ठीक है।
ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 117 नंबर में आते हैं कि 117 नामक प्रश्न में बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, किस तरफ स्थित है पट्टी, तो इसको कूट से चुन लीजिए। तो ये देखिए 117 का जो सही आंसर ए है, यानी ए का दो दोनों सही हो जाएगा आपका। तो ये उत्तर पश्चिम बिहार के मैदान और उत्तरी पूर्वी बिहार के मैदान, तो ये दोनों साइड में है, पटसन उद्योग की पट्टी है, विस्तृत पट्टी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 117 का ए। उसके बाद 118 में है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है। तो देखिए उस समय 40% था, मतलब 40% था बिहार के, झारखंड के पास अभी भी है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या है इसमें जो नज़दीक नज़दीक का आंसर देखिए क्या है। तो 118 का 36% उस समय के अनुसार था 36%, लेकिन 40% अभी वर्तमान में जो है झारखंड में 40% जो है योगदान है। उसके बाद 119 का नंबर में है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है। सब डाटा बदल गया है दोस्तों, तो क्षमा करेंगे क्योंकि पुराना प्रश्न है। तो 119 का जो सी है, 30 से 40% उस समय था सिंचित क्षेत्र था बिहार में। अब है कृषि योग्य भूमि का सिंचित क्षेत्र 30 से 40% था। अब देखिए 120 में बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्था है। तो 120 का जो सही आंसर राज्य बिहार राज्य वित्त निगम, यही है वित्तीय संस्था औद्योगिक वित्त सहायता हेतु। 121 नंबर में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 1908 में पारित हुआ था, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में पारित हुआ था। 122 नंबर में 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी। तो जब जिला की संख्या जो है 122, अभी तो 38 है, 33 था पहले, तो एक बढ़ा 38, अरवल बढ़ा, तो पहले कितना था दोस्तों। तो ये देखिए पहले जो था 1996 में 55 था, एक्चुअली 56 था जिला जब हल्ला हुआ था। तो खैर जो भी है, अभी अभी तो कम है, अभी 38 है जिला बिहार में, जो जिले की संख्या 38 है, 37 था, एक अरवल बढ़ा था, तो 38वां हो गया। अभी उस समय 55 था 1996 में। तो उसके बाद 122 के बाद विविध के, देखिए विविध से रिलेटेड प्रश्न है। तो एवरेस्ट शिखर पर, ये स्टैटिक प्रश्न होते हैं, तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी। तो पहली तो बिछेंद्री पाल थी, दूसरी संतोष यादव है, जो कि बिहार में इनका ससुराल है, ठीक है, ससुराल जो है बिहार में ही है इनका, और ये शायद हरियाणा की हैं। तो 123 का जो है आपका सही आंसर है बी, संतोष यादव, दो बार चढ़ चुकी हैं ये एवरेस्ट शिखर, दो बार चढ़ चुकी हैं। और इसके बाद बिछेंद्री पाल तो सबसे पहली महिला है भारतीय जो कि एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ी हुई है। उसके बाद देखिए 123 के बाद 124 नंबर, 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास था कौन सा। साहित्य अकादमी 1983 का, देखिए 96 का प्रश्न है, 1986 के साहित्य अकादमी के बारे में पूछा गया है 1996 में। तो खैर 24 में ए है, अर्धनारीश्वर, सही 1983 के अर्धनारीश्वर, मतलब 1983 में अर्धनारीश्वर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये उपन्यास है अर्धनारीश्वर। उसके बाद 125 नंबर में गण राजेश राजशेखर को उनकी तमिल फिल्म मोघमूल के पर मिलने वाला पुरस्कार था क्या था। तो ये मिला था पुरस्कार, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला था ये। खैर ये सब पुरानी बात है, अब इस तरह का प्रश्न, ये प्रश्न खैर नहीं आएगा, पक्का नहीं आने वाला है, लेकिन जान लीजिए। उसके बाद देखिए ये, हाँ ये ठीक है, स्टैटिक है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन प्रावधान था किसके बारे में। तो आपको तो पता ही होगा पंचायती राज से रिलेटेड है। तो अब देखिए क्या है, 126 में क्वेश्चन जो क्वेश्चन का सही आंसर है, पंचायती चुनावों के आदेश को आदेशात्मक तथा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का था ये प्रावधान था, ठीक है। तो 126 का डी है। तो एक्चुअली दोस्तों 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें पंचायती राज को में जो चुनाव, मतलब विकेंद्रीकरण से रिलेटेड था, पंचायत गांव में जो है 3 स्तरीय जो है उसको लागू करना था, और लोकसभा विधानसभा के चुनाव के समकक्ष चुनाव गांव में कराने से संबंधित ये सारी व्यवस्था थी पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन का हुआ था।
उसके बाद देखिए 127 नंबर में द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन थे, कौन हैं, ठीक है, जो जिन्होंने लिखा है। तो 127 नंबर का सही प्रश्न है सलमान रुश्दी हैं, द मूर्स लास्ट साई, और इनका है द वर्डिक सेट। तो खैर ये प्रश्न है तो ये दबूर्स लास्ट साई के लेखक सलमान रुश्दी है, लेकिन ये कुछ और भी पुस्तकें हैं जो विवादित भी हैं, ठीक है, जिनका प्रकाशन नहीं हो सका है खासकर भारत में। उसके बाद देखिए दोस्तों 127 में तो सेटनिक वर्सेस जो है वो इनके इनकी पुस्तक है जो भारत में प्रकाशित नहीं हुई थी, विवाद हो गया था, ठीक है। अब है सेटनिक वर्सेस, ये पुस्तक द मूर्स लास्ट साई लेखक सलमान रुश्दी ही है, 127 का बी। उसके बाद 128 में है चोगम शिखर सम्मेलन 1995 में आयोजित हुआ था, ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो हुआ था दोस्तों ऑकलैंड में हुआ था ये आयोजित, चोगम शिखर सम्मेलन 1995 में ऑकलैंड में आयोजित हुआ था। और उसके बाद है 129 में स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है, तो ये इसका तात्पर्य है कि अफगानिस्तान ईरान पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकड़ी से संबंधित स्वर्णिम त्रिकोण, और इससे रिलेटेड है कि ये तीनों देशों में प्रमुख जो है अफीम हीरोइन आदि नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं, और अफगानिस्तान में अफीम और अन्य नशीले पदार्थों का उत्पादन बहुत बहुतायत से होता है, ये आप तो जानते ही हैं, लेकिन अब स्थिति बहुत बदल गई है अफगानिस्तान के भी, और ईरान का तो खैर कोई बात नहीं है। तो ये सब वही है स्वर्णिम उस समय के बात है, अभी सब काफ़ी बदल चुका है, ये सब डाटा नहीं आने वाला है परीक्षा में। देखिए जानिए कि किस तरह का पैटर्न क्या है पूछने का यूपीएससी का। हॉकी का यूरोपीय राष्ट्रीय कप 1995 में जीतने वाला देश कौन था, तो 130 का जो सही आंसर आपका है सी है, जर्मनी था, उस समय जर्मनी था 1995 में हॉकी यूरोपीय राष्ट्रीय कप जीतने वाला देश जर्मनी था। झारखंड कैसल ओवर फ्रेज के लेखक कौन थे, तो 131 का सी है, विक्टर दास ने लिखा था झारखंड कैसल ओवर फ्रिज। इसके बाद 131 के बाद देखिए एपेक का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, एपेक का फुल फॉर्म जो क्या है, तो 132 का जो सही आंसर आपका आ जाता है डी है, एशिया। देखिए एशिया सब तो ऐसे मिलता जाता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन से आप याद रखिएगा एपेक, एपेक जो है कोऑपरेशन से याद रखिएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक का फुल फॉर्म है। उसके 133 नंबर में है दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साफ्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था, तो ये सब उसका उद्घाटन हुआ था 7 दिसंबर 1995 को हुआ था साफ्टा का औपचारिक उद्घाटन, ऐसे याद रखिएगा 1995 साफ्टा 1995 याद रखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश पाने वाले नवीनतम सदस्य कौन थे, तो उस समय के अनुसार है ये उस समय तुर्कमेनिस्तान थे 96 के पहले के आसपास, ठीक है तुर्कमेनिस्तान है। अब ये 135 में अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो ये सब कुछ मतलब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते ही हैं, लेकिन ये खैर ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन पूछा जाएगा नए नए जो बदलते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो बदलते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, इसलिए आप उनके प्रश्नों को आप याद रखेंगे। तो इस खैर इस समय जो 96 में लियामिन जेरुअल थे राष्ट्रपति अल्जीरिया के। उसके बाद देखिए 36 केंद्रीय मंत्री परिषद में बिहार कितने सांसद सम्मिलित हैं, तो ये भी प्रश्न अब बदल गया है, इस समय तो कोई भी नहीं, इस समय भी है बिहार से सांसद हैं। तो खैर जैसे कि अब देखिए यहाँ पर उस समय थे, उस समय 96 में जो है था 7 सदस्य थे, और अभी भी लगभग इतना ही लगभग ऐसे कि देखिए कौन कौन सम्मिलित है मैं गिनाने का प्रयास करता हूँ, रामकृपाल यादव है, फिर रामविलास पासवान है, कुशवाहा जी हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उसके बाद चिराग पासवान को तो नहीं बनाया गया है सांसद है वो, और उसके बाद राधा राधा कृषि मंत्री हैं मतलब थे वो राधा मोहन जो है उधर के, वो हैं गिरिजा, फिर है गिरिराज सिंह है, तो ये कुछ खास जनाब हैं जो अभी वर्तमान में है बिहार से सांसद हैं जो कि मंत्रिपरिषद में है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में ये अभी वर्तमान में है। उसके बाद देखिए दोस्तों समसामयिकी से रिलेटेड है, तो समसामयिकी में कोई
कुछ विशेष नहीं है, तो अब क्या है इसके बारे में मैं बताऊं, लेकिन सिर्फ आंसर को टिक करते चलता हूं, बहुत ज़रूरी है, फास्ट में बहुत काफ़ी लेट हो गया है। तो इसका ए है आंसर, अब मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। देखिए ए है इसका आंसर है 137 का, 138 में जो है डी, ठीक है डी है, 139 का जो है ए हो जाता है, 140 में, 140 के लिए देखिए 140 का ए, 141 में जो है ए, 142 का देखिए आपका इसका भी ए, 143 में बी। तो खेल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे, कोई पूछा जाता है खेल पे तो प्रश्न आता ही 8-10 प्रश्न रहते हैं हमेशा मिला जुला कर, तो पूछा जाता है खेल से रिलेटेड। 144 का जो है डी। उसके बाद दोस्तों 145 नंबर में हिंदी कविता के लिए 1995 का व्यास सम्मान, तो सम्मान से भी पुरस्कार से भी संबंधित कुछ खास प्रश्न होते हैं, तो इसमें कुंवर नारायण को उस समय मिला था। उसके बाद 146 में जो देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था जनरल ओबासांजो को दिया गया था, जनरल ओबासांजो को दिया गया था, 146 का ये हो गया। उसके 147 में जो है 1995 विश्व सुंदरी मुकुट प्रदत्त हुआ था, किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था जैकलिन ए मार्कोन को। तो इस बार का 2017 का जो है मानुषी छिल्लर ने लिया है विश्व सुंदरी की किताब, जो है हरियाणा की है मानुषी छिल्लर, जिन्होंने सबको हरा कर जीत लिया है इस बार, ठीक है। काफ़ी साल के बाद ये मौका आया है भारत के पास, तो शायद 14-15 सालों के बाद ये मानुषी छिल्लर ने इस पर अपना कब्जा बनाया है विश्व वर्ल्ड पर। उसके बाद 148 नंबर देखिए जो सही आंसर है, ये कैलाश सत्यार्थी का, देखिए 1948 1996 में भी कैलाश सत्यार्थी को ऑप्शन में रखा जाता था, जिन्होंने काम किया है और उनको भारत रत्न दिया गया है। तो देखिए बहुत पुराने थे ऐसे ही नहीं भारत रत्न नहीं मतलब समझ रहे, और नोबेल पुरस्कार इनको मिला है कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। तो ये थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, उस समय भी उनका नाम आता था, 96 में भी प्रश्नों में पूछा जाता था, तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। और इसका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर है, मतलब कि 1995 का रॉबर्ट एफ कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है किनको, तो किनो को नहीं हुआ था, जो उपयुक्त नाम है किनो को नहीं हुआ था, लेकिन नाम फिर भी ये अपने काम से जाने जाते थे उस समय भी। उसके बाद 149 नंबर में है सीटीबीटी से रिलेटेड है, तो ये सी है ईरान, और इसके बारे में जान लीजिए कि 24 अक्टूबर 1995 को प्रस्तावित सीटीबीटी संधि विश्व में परमाणु परीक्षणों को विशेष रूप से परमाणु हथियार बनाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, अभी भी नहीं किया है इन्होंने, नहीं अब सीटीबीटी पर शायद भारत ने कर दिया है हस्ताक्षर, तो खैर वो बात नहीं है, उस समय के अनुसार ईरान था। अब है देखिए दोस्तों, लेकिन हाँ 150 नंबर में है बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा, तो महिला आयोग जो है उसके लिए अध्यक्षता को अलग से व्यवस्था किया गया है, तो कौन करेगा इससे रिलेटेड है, तो 150 का जो बी है बिहार का मुख्यमंत्री, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा, ऐसा थोड़ी है महिला आयोग के लिए अलग से अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है बिहार में। तो ये था 150 प्रश्न दोस्तों, अब मुझे आशा है कि आपको ये 150 प्रश्न के जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आपने देखा इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी वीडियो जो है आगे आते रहे और 60 से 62 तक परीक्षा आते रहे, और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आपका 1 घंटा जो है 13 मिनट का समय पार कर चुका है, तो अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, करना नहीं भूलेंगे, और नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे, और दोस्तों कम से कम जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं वे कम से कम लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके लिए इस तरह का वीडियो मैं और भी ला सकूं, और बहुत इम्पोर्टेंट खासकर वीडियो बीपीएससी के लिए स्पेशल स्पेशल वीडियो मैं ला सकूं। तो दोस्तों ये इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हालांकि सब ठीक ठाक है, काफ़ी समय हो गया है, मुझे भी अच्छा लगता है इन सब काम को करने में। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।